नमस्कार, अब हम छठी कक्षा के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम से पाठ 11 दिल्ली की इमारतें इस पाठ से संबंधित एक वर्कशीट देखते हैं। प्रश्न 1, कौन दिल्ली घूमकर अपने शहर धर्मपुरी पहुंचा? विपिन दिल्ली घूमकर अपने शहर धर्मपुरी पहुंचा। विपिन का शहर धर्मपुरी था और वह दिल्ली घूमने गया था। इसके बाद प्रश्न 2, विपिन शहर से लौटने के बाद अपने सभी मित्रों से कहाँ मिला था? खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड, खेल का मैदान है प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में अपने सभी मित्रों से मिला था। प्रश्न 3, हमारे राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति का मतलब है प्रेसिडेंट। कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। विशाल शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। विशाल शब्द को हम अंग्रेजी में ह्यूज बोलते हैं, ह्यूज बड़ा सा, बिग। प्रश्न 6 है, पर्यटक शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। पर्यटक को हम टूरिस्ट कहते हैं, जो पर्यटन करता है, टूरिस्ट। प्रश्न 7, मुगल गार्डन कहाँ है? राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल गार्डन है, जो 13 एकड़ जमीन में फैला है। मुगल गार्डन मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मुगल गार्डन, कितना सुंदर है देखिए। और ये भी एक और दृश्य है मुगल गार्डन का। ये मुगल गार्डन कहाँ है? राष्ट्रपति भवन के पीछे है और 13 एकड़ जमीन में, 13 एकर्स ऑफ लैंड। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट, इसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। प्रश्न 8 है, सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इसके साथ इस वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।